श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। जब कोरोना नहीं था तो डर था, जब कोरोना आया तो डर खत्म हो गया। यही हाल अमूमन पूरे देश का है। मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर के हालात बेहद गंभीर हैं, तो सागर में भी तेजी से फिर से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आज सागर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर मिले हैं। इस लिहाज से अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 258 हो गई है, जिसमें 192 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो गए। इसके साथ ही 17 लोगों की मौत की खबर है। आज जो 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले, उनमें एक 70 साल की महिला विजय टाकीज की रहने वाली, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही 52 साल के पुरुष पगारा रामनगर निवासी, इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि 53 साल के पूर्वियाउ टोरी के रहने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। साथ ही 48 साल के व्यक्ति जो केशवगंज के रहने वाले, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मैं बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से डॉक्टर सुमित रावत, नोडल अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी बीएमसी सागर। आज 15/6/2020 को जो हमारे वायरोलॉजी लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें 4 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आज पाई गई है। इसमें से 3 पुरुष हैं एवं 1 महिला है। जो पहले पॉजिटिव आए हैं, 52 वर्षीय पुरुष जो हैं, ये पगारा रोड रामनगर निवासी हैं। इसके अलावा जो दूसरे पुरुष हैं, 53 वर्षीय हैं और ये पूर्वियाउ टोरी निवासी हैं। तीसरे जो हैं 48 वर्षीय पुरुष हैं, ये किशवगंज मोतीनगर निवासी हैं। इसके अलावा एक वृद्ध महिला जो 70 वर्षीय हैं, विजय टॉकीज रोड निवासी हैं, और पूर्व में 2 दिन पूर्व इनके परिजन जो पॉजिटिव आए थे, ये उनकी माताजी हैं। तो आज का यही अपडेट है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आज एक महिला सहित 3 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव को लेकर मेडिकल महकमा और प्रशासन अब उतनी संजीदगी नहीं दिखा पा रहा है जितनी पहले दिखाई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून का पालन ना के बराबर हो रहा है, जनता आजादी में घूम रही है, कानून मुंह देख देख कर कार्रवाई कर रहा है, राजनीति में रैली, बैठकें, सभाएं शुरू हो गई हैं। जनता कह रही है कि नेता जब बेखौफ नियम तोड़ रहे हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं, तो हम क्यों न करें। यह शायद दुर्भाग्य के क्षण है, कोई बड़ा विस्फोट अभी सागर में होना है, इसका शायद न्योता दिया जा चुका है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।